नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झटपट ज्ञान में। दोस्तों मैं आज जो 10 सवाल आपसे पूछने वाला हूँ वो हमारे भारत की राजधानी दिल्ली से रिलेटेड है। तो दोस्तों ऐसी क्या बात है जो भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में हम नहीं जानते हैं? और दोस्तों आपसे पूछे गए हर सवाल के लिए मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा और साथ ही दूंगा 7 सेकंड का टाइम उसका सही जवाब देने के लिए। और अगर आपको जवाब पहले से पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी टाइम ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सवाल नंबर 1। तो ये रहा दोस्तों आपका सवाल नंबर 1, दिल्ली में स्थित लाल किला बनाने में कितना समय लगा? दोस्तों लाल किला तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा और ऐसी बात है उसकी हिस्ट्री भी आपने पढ़ी ही होगी, तो बताइए दोस्तों उसको बनने में कितना समय लगा? दोस्तों इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए 7 वर्ष 8 महीने, ऑप्शन बी 9 वर्ष 3 महीने, ऑप्शन सी 11 वर्ष 5 महीने या ऑप्शन डी 5 वर्ष 7 महीने। तो दोस्तों क्या है इसका सही जवाब, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं 7 सेकंड के बाद इसका सही जवाब लेके। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल किले बनाने में 9 वर्ष 3 महीने लगे। तो सुनते हैं सवाल नंबर 2, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट की ऊंचाई कितने मीटर है? तो दोस्तों इंडिया गेट भी आपने देखा ही है, तो बताइए दोस्तों इंडिया गेट की ऊंचाई कितने मीटर है? उसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए 42 मीटर, ऑप्शन बी 33 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर या ऑप्शन डी 60 मीटर। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई क्या है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों क्या है इसका सही जवाब, मिलते हैं दोस्तों 7 सेकंड के बाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 42 मीटर, इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर है। तो दोस्तों अब सुनते हैं सवाल नंबर 3, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कब बनके तैयार हुआ? दोस्तों इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1921 या ऑप्शन डी 1929। तो दोस्तों क्या है इसका सही जवाब, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं 7 सेकंड के बाद इसका सही जवाब लेकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति भवन 1929 में बनके तैयार हुआ था। तो दोस्तों अब बारी है सवाल नंबर 4 की। तो सुनते हैं सवाल नंबर 4, दिल्ली राज्य में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों यह सवाल बहुत ही आसान है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जवाब पता होगा। दोस्तों इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए 8 जिले, ऑप्शन बी 11 जिले, ऑप्शन सी 13 जिले या ऑप्शन डी 10 जिले। तो दोस्तों क्या है इसका सही जवाब, अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसका सही जवाब लेकर 7 सेकंड बाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 11 जिले, दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। सुनते हैं सवाल नंबर 5, खिलजी राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी नसरुद्दीन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या है इसका सही जवाब, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं सही जवाब लेके इसका 7 सेकंड के बाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खिलजी राजवंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तो दोस्तों अगले 5 सवाल सुनने के लिए हमारे चैनल झटपट ज्ञान पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए उस बेल आइकन को ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।